राष्ट्रपति से मिला एनडीए डेलीगेशन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। शुक्रवार को कई बैठकों के दौर के बाद एनडीए नेताओं का समूह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचा और उन्हें सरकार बनाने का प्रस्ताव सौंपा। सरकार बनाने का दावा पेश करने एनडीए की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे सहित 16 दलों के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स ने पास की नीट परीक्षा। मेडिकल की पढ़ाई के लिए आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूल के 1414 बच्चों ने इसमें क्वालिफाई किया है, जिसकी जानकारी दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दिया है। आतिशी ने कहा, दिल्ली में कई वर्षों के रिकॉर्ड टूटे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों के नतीजे भी अच्छे आए हैं। इलाहाबाद सीट पर 40 साल बाद जीती कांग्रेस। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। 2009 के बाद कांग्रेस ने पहली बार 6 सीटों पर कब्जा किया। वहीं इलाहाबाद सीट पर तो कांग्रेस के उज्ज्वल रमण सिंह ने जीत दर्ज कर 40 साल बाद पार्टी के सूखे को खत्म कर दिया। इस सीट पर आखिरी बार 1984 में फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की थी। ऋषिकेश के ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट में मारपीट। ऋषिकेश के ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट पर राफ्टिंग गाइड और पर्यटकों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राफ्टिंग के दौरान गाइड पर्यटकों की पैडल से जमकर धुनाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइड और पर्यटकों के बीच किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। इस वीडियो को लेकर पर्यटन विभाग टिहरी और थाना मुनि की रेती पुलिस भी इस मामले की जानकारी होने से मना कर रही है। पर्यटन विभाग की तरफ से कहा गया है कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो राफ्टिंग गाइड के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। दिल्ली कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नीट पेपर लीक मामले का खुलासा होने के लिए कहा है। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया है, यह एक गंभीर मसला है, इसी निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट की देखने में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भर्ती विधान की बात की, उस पर अमल करने की जरूरत है। पेपर लीक को लेकर सख्त कानून होना चाहिए, परीक्षाएं समय पर होनी चाहिए, सरकारी दफ्तरों में खाली पदों को समय पर भरा जाना चाहिए। दिल्ली में नकली दवाओं के गिरोह का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को गुरुवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। क्राइम ब्रांच ने कैंसर और शुगर की नकली दवा बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सीबीआई नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि कैंसर और शुगर की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली नकली दवा बनाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से सभी आरोपियों के संबंध हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीबीआई नागरिक मोनिर अहमद तुर्की, मिस्र और भारत में दवाओं की आपूर्ति करता था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान नवीन आर्य, सौरभ गर्ग और करण खानेजा के रूप में हुई है। एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी के लिए पढ़ी शायरी। एनडीए ने पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया। एनडीए की आज 7 जून को हुई बैठक में महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी ने जो विकास का काम किया है उसे जनता ने महत्व दिया और विपक्ष को घर बिठा दिया। एकनाथ शिंदे ने इस दौरान पीएम मोदी के लिए एक शायरी भी पढ़ी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाले मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अकाली दल में उठे विरोध के स्वर। पंजाब में लोकसभा चुनाव में पड़ी कड़ी हार के बाद अब अकाली दल में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लुधियाना के दाखा हलके के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर पोस्ट कर पार्टी नेताओं के फैसले पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि जुन्ना कमेटी के रिपोर्ट लागू होने तक पार्टी गतिविधियों से दूर रहने का फैसला किया है। अकाली विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने आगे लिखा कि शिरोमणि अकाली दल पंथ और पंजाब का सिरमौर संगठन है, जिसका महान गौरव का इतिहास है, परंतु पिछले कुछ दिनों में पार्टी नेताओं द्वारा लिखे गए फैसलों से अकाली दल में भारी गिरावट आई है।
विदेशी मुद्रा भंडार पहुंचा ऑल टाइम हाई पर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर जा पहुंचा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि नए माइलस्टोन को छूते हुए भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 650 बिलियन डॉलर को पार करते हुए 651.5 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक हाई पर जा पहुंचा है। यूपीआई लाइट को बढ़ावा देगा आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट को बढ़ावा देने का फैसला किया है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को यूपीआई लाइट को ई मेडेंट के तहत लाने की मंजूरी दे दी है। यूपीआई लाइट को पहली बार सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसकी मदद से छोटे पेमेंट करने में आसानी होती है। फिलहाल यूपीआई लाइट की डेली लिमिट 2000 रुपये है। इसकी मदद से एक बार में 500 रुपये तक के पेमेंट किए जा सकते हैं। रूस में चार भारतीय छात्र नदी में डूबे। भारत में रूस पढ़ने गए छात्रों की मौत हुई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस के वेलिकी नोवगोरोड स्थित स्टेट यूनिवर्सिटी में सभी छात्र पढ़ रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में चार भारतीय छात्र वोल्खोव नदी में डूब गए। घटना में पांचवें भारतीय छात्र को डूबने से बचा लिया गया है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित हमारा वाणिज्य दूतावास विश्वविद्यालय और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। भारतीय दूतावास मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। सऊदी अरब में दिखा ईद अल अजहा का चांद। सऊदी अरब में गुरुवार को धू अल हिज्जा का चांद दिखा है। इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने की है। आज यानी 7 जून से इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की शुरुआत हुई है। इस महीने को हज के लिए भी जाना जाता है क्योंकि इसी महीने में हज यात्री सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी की मीडिया के मुताबिक 29 ज़िलकात के दिन देश के अलग अलग हिस्सों से चांद देखने के बारे में सूचना मिली। ज़िल हज का पहला दिन शुक्रवार को होगा जिसकी वजह से 16 जून को ईद अल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। वहीं अराफात का दिन 15 जून को मनाया जाएगा। पाकिस्तान बना यूएनएससी का अस्थाई सदस्य। पाकिस्तान गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य चुन लिया गया है। पाकिस्तान का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और वह अगले 2 साल तक यूएनएससी का सदस्य बना रहेगा। 193 सदस्यीय महासभा में से पाकिस्तान को 182 वोट मिले जो 2/3 बहुमत के आवश्यक आंकड़े 124 से बहुत अधिक है। गुरुवार को ही पाकिस्तान के अलावा डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने नए सदस्य देशों का ऐलान किया। सैंतीस साल पुराने कंकालों से हुआ बड़ा खुलासा। सिंधु सभ्यता के बारे में तो सभी ने सुना होगा लेकिन अचानक इनका विनाश कैसे हुआ ये आज भी रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक लगातार नई नई थ्योरी देते हैं लेकिन किसी के पास इसके खात्मे का पुख्ता प्रमाण नहीं है। ताज़ा रिसर्च में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे शुरुआती शहरों में से एक मोहनजोदड़ो करीब 3700 साल पुराने परमाणु युद्ध में तबाह हुआ था। द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिले कंकालों में असामान्य रूप से उच्च स्तर का रेडिएशन था। यह साबित करता है कि यहां पर परमाणु विस्फोट हुआ था। जस्टिन ट्रूडो के देश का नया आरोप। भारत और कनाडा के बीच लंबे समय से तनाव के बीच नया मामला सामने आया है। वहां की उच्च स्तरीय समिति ने भारत को चीन के बाद कनाडा के लिए दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा बताया है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी इस समिति के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसके साथ ही विदेशी हस्तक्षेप के बारे में सरकार की गंभीर चिंताओं पर जोर दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।